नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। तेजस्वी के बयान पर जदयू का पलटवार, कहा भरी जवानी में नैन का लालटेन भी फूट गया। नाम मांझी का सनसनीखेज आरोप, मंत्री गिरिराज सिंह की भूमिका की हो सीबीआई जांच, सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव के पास है 10 घंटे का वक्त, अशोक चौधरी ने नोटिस भेजकर कहा माफी मांगे। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान, जानिए पूरा शेड्यूल। अब खबरें विस्तार से। राजद कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है बिहार का मुख्यमंत्री गायब क्यों है। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री 90 दिनों तक अपने घर में ही थे, जिसको लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर का अनावरण किया। तेजस्वी की नज़रों में तवज्जो नहीं मिलने पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अकेला चलो वाला राग अलापा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया है कि वे 25 जून को फैसला ले लेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर महागठबंधन में बात नहीं बनी तो स्वतंत्र निर्णय लेंगे। मांझी की मांग है कि महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, इसको लेकर वो कई बार महागठबंधन से अलग होने की धमकी दे चुके हैं और बताया है कि मांझी महागठबंधन से 25 जून के बाद कुछ अलग फैसला ले सकते हैं। 25 तारीख को एकदम डेडलाइन दिया है, 25 जून को, क्योंकि कल भी हमारे कांग्रेस के बहुत लोगों से बात हुई है और छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों से बात हमारी चल रही है। सबको इसलिए कहा है कि कांग्रेस के साथ और अन्य पार्टियों के साथ राज्यसभा का चुनाव है, जो कई प्रदेशों में है 19 तारीख तक वो लोग करेंगे। और जो यहाँ कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह देवी, उनकी माँ के घर का भी देहांत हो गया, तो वो भी इस काम में लगे हुए 22 तक लगेंगे, तो 23-24 में वार्ता होगी और 25 को वार्ता हो या न हो, हम अपने स्तर से जो भी निर्णय लेना होगा आप लोगों को बुला करके उस दिन हम देखना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 90 दिन हो चुके और नीतीश कुमार अभी तक बंगले में कैद है। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से स्थिति खराब होता जा रहा है और जनता त्रस्त है और नीतीश कुमार पूरी तरह से कोरोना से घबराए हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकले। अगर 100 दिनों के अंदर घर से बाहर नहीं निकलते तो हर जगह पर राजद के लोग ढोल बजाएंगे और जनता को यह बताने का कार्य करेंगे कि नीतीश कुमार जनता को छोड़कर फरार हो चुके हैं। 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव-गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 360 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होते हैं, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब। कोरोना संकट के बीच बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष द्वारा अपने अपने को जनता का रहनुमा बताने और एक दूसरे पर हमला का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगातार सीएम नीतीश कुमार पर अटैक किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पीसी के माध्यम से सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को सड़क पर निकलने के लिए छोड़कर खुद घर में बंद हैं। 9 दिन बाद अगर सीएम बाहर नहीं निकले
तो पूरे 100 दिन हो जाएंगे। सीएम के 100 दिन तक घर में रहने पर राजद गांव-गांव ढोल पीटेगी। इधर तेजस्वी के इस बयान पर जदयू की ओर से पलटवार किया गया है। जदयू एमएलसी एवं बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में मंत्री नीरज कुमार ने लिखा है, शर्म जमीर लाज सब बेच खाए, यह तो बिहार की जनता जानती थी, पर आज पता चला कि भरी जवानी में नैन का लालटेन भी फूट गया। सीएम को खोज रहे हैं, जनता से प्रतिदिन रूबरू हो रहे हैं और जनता जानती है। आप बताइए ना, भ्रष्टाचार के राजकुमार, भ्रष्टाचार के सुप्रीमो कहाँ हैं 3 साल से? दिक्कत यह है ना कि आज भी आप लालटेन युग में हैं, उसमें भी लालटेन का किरासन खुद पी गए, तो बुझे हुए लालटेन में सीएम आपको सूझेंगे कहाँ से? बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी पत्ता फेंकना शुरू कर दिया है। चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुद्दों की तलाश और वार पलटवार का दौर चालू है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोरोना को मुद्दा बना सीएम नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज फिर से एक पोस्टर जारी करके सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना संकट में नीतीश कुमार 91 दिनों से घर में बंद है। बिहार की बदहाल स्थिति पर वे 2 महीनों से सरकार को सलाह दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सलाह से कोई मतलब नहीं है, उनको बिहार की जनता से भी कोई मतलब नहीं, बल्कि कुर्सी के लिए वे चिंतित हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गिरिराज सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पटना में मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा है कि बेगूसराय में एक युवक की हत्या मामले में एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में स्थानीय बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की भूमिका संदेह के घेरे में है। मांझी ने कहा कि हमारे पास वीडियो है जिसमें कहीं ना कहीं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के बारे में शंका जाहिर हो रही है। गिरिराज सिंह की भूमिका अति पिछड़ा दलित युवकों की हत्या में है या फिर आरोपियों को बचाने में है, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके लिए CID से नहीं बल्कि CBI से जांच होनी चाहिए, क्योंकि CID ने पूरे मामले में आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया है। राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर रही है, मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजा है। मंत्री अशोक चौधरी ने नोटिस भेजकर 10 घंटे में जवाब मांगा है और कहा है कि तेजस्वी यादव यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर मैं मुकदमा करूंगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया था।
उस वीडियो में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था कि मंत्री अशोक चौधरी ने लालू यादव को गाली दी है। हालांकि बाद में मंत्री अशोक चौधरी ने वीडियो को एडिटेड कहा था और कहा था कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, ओरिजिनल वीडियो देखिए उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि यह ढोल बजवा पार्टी है, यह सिर्फ सीएम पर उंगली उठाते हैं। सीने अभिनेता और बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के अचानक आत्महत्या करने से पूरे देश में गम का माहौल है। वहीं उनके परिजन सोमवार की सुबह 11:30 बजे मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। कोरोना काल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा, जिसको लेकर उसके शोकाकुल पिता, चचेरे भाई और परिजन मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। निधन पे बहुत ही दुख हुआ, खासकर वो बिहारी थे ये जानकर और दुख हुआ। एक बिहारी कलाकार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा, इससे उस खुशी की और बड़ी क्या हो सकती है। ठीक है, उनके असामयिक मौत पर मुझे यही कहना है कि जब सफलता मिलती है तो असफलता के लिए भी लोग को तैयार रहना चाहिए, हमें इसमें अपने जान देने की बात कहाँ से आ जाती है। घटना मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर ओराई रामनगर पानापुर चौक में गोलीबारी की घटना हुई है। घटना में मुखिया के भाई मनोज राय को गोली लगी है तो उसे अस्पताल ले गए हैं परिजन। बताया जाता है कि घटने के संबंध में सीने में और हाथ में गोली लगी है, तीन बाइक सवार आए और घटना को अंजाम दिया। ओराई थाना क्षेत्र के पानापुर चौक की घटना में शराब गैंगवार में ये घटना बताई जा रही है और घायल शख्स शराब कारोबारी में उनकी संलिप्तता बताई जा रही है। मिला है जो हम घर में थे, जब आवाज़ हुई है रोड पर तो हम घर से निकल के आए हैं तो देखे हैं जो है से ये हमारा भाई चिल्ला रहा है कि हमारी पीछे वाला बैक वाला गेट खोले हैं। गेट खोलने के बाद जो है देखे हैं जो मोटरसाइकिल पर से गोली फायरिंग कर रहा है, हमारा भाई चिल्ला रहा है अनाधुन। हम बांस बिजली वाला टोका वाला बांस था, वो बांस लेकर के जब दौड़े तो गाड़ी जिस मुँह भागना था वो गाड़ी घुमा करके दक्षिण की ओर भागा, उत्तर भाग छोड़ करके दक्षिण की ओर भागा है, दो आदमी था। यूं तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या न ही कमा है और न ही थमा है, लेकिन आंकड़ों की यदि बात करें तो बिहार का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। खबरों के मुताबिक बिहार का रिकवरी रेट 62% है तो वही राष्ट्रीय औसत दर 49.9% है। गौरतलब है कि अनलॉक वन के बाद लोग यह जान रहे हैं कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन जानकर भी अनजान बने बेखबर होकर निर्धारित मानदंडों की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी के कतिपय लोग और कारोबारी चौकस और सजग होकर मास्क, सैनिटेशन और आइसोलेशन का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन इन बातों की अनदेखी करने वालों की भी कमी नहीं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी की बात समझने में ही सबों की भलाई है। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान। बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा,
कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रेस नोटिस जारी कर दिया है। विधान परिषद में विधायक कोटे से चुने जाने वाले 9 सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के प्रेस नोटिस में बताया गया है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 जून है। 26 जून को स्क्रूटनी होगा। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 29 जून मुकर्रर की गई है। अगर चुनाव हुए तो उसके लिए 6 जुलाई की तारीख रखी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। वोटों की गिनती 6 जुलाई को ही शाम 5 बजे की जाएगी और 8 जुलाई से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सासाराम जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के अगरेर के नेकरा गांव में 2 सगे भाई 38 वर्षीय लाल बाबू सिंह और 26 वर्षीय प्रदीप कुमार तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उसी दौरान आकाश से बिजली गिरी। बताया जा रहा है कि आकाश से गिरी बिजली की चपेट में दोनों भाई आकर बुरी तरह से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं एक साथ 2 सगे भाइयों की मौत से गांव में भी मातम का माहौल व्याप्त है। STET परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज के समीप प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। इस मौके पर परिषद के सदस्य सोनी कुमार ने बताया कि जब परीक्षा कड़ाई से ली गई थी तो फिर किस कारण से सरकार ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया। लॉकडाउन में लॉज और किराए में रहने वाले छात्र छात्राओं के 3 माह के किराए को राज्य सरकार माफ़ कराए, क्योंकि यह बच्चे किराया देने में असमर्थ है। इसके लिए परिषद के सदस्य जल्द ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बताते चले कि राज्य सरकार की ओर से STET की परीक्षा रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से परीक्षार्थियों ने आक्रोश जताया है। सारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक CSP संचालक से 6 लाख रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि आज मृतक मुकेश कुमार गुप्ता दाऊदपुर के पास स्टेट बैंक का CSP चलाते थे। आज सोमवार की सुबह वो एकमा स्थित मुख्य शाखा से 6 लाख कैश लेकर बाइक से दाऊदपुर जा रहे थे। तभी माने गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने उनसे पैसे लूट लिए। वहीं विरोध करने पर गोली मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल मुकेश को स्थानीय लोग लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। सारण SP हरकिशोर राय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के पास कितना कैश था, इसकी जांच के लिए पुलिस बैंक डिटेल खंगाल रही है। वहीं बैंक के CCTV कैमरे को भी चेक किया जा रहा है, ताकि पीछा करने वाले का कोई सुराग मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।